आखिरकार लंबी उड़ीक तो बाद यह खुलासा हो ही गया कि करतारपुर लांघा खुलवाउण दा उत्ता चुकण वाले नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान दे सद्दे ते जाणगे। सुनन च आया है कि बीते कई दिनों तो लगातार सिद्धू साहब नूं पाकिस्तान वल्लों फोन आ रहे ने, जिसके चलदे परमिशन लैण लई सिद्धू साहब दिल्ली पहुंच चुके ने। इस गल दा खुलासा अज सिद्धू साहब दी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कीता। अप्लाई जरूर किया है अभी उसके लिए कि वो वहां जा सकें, क्योंकि उनको इमरान खान की ऑफिस की तरफ से स्पेशल इन्विटेशन आया कि हम चाह रहे हैं कि आप इस मौके पे जरूर रहो, क्योंकि आप आए थे और आपने रिक्वेस्ट की थी इसके लिए, सो आपका होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए वो अप्लाई कर रहे हैं अभी। सो दिल्ली दे विच ने कहा जा रहा है कि वो ऐसे लिए परमिशन दे वास्ते ही गए और परमिशन उन्होंने मिल चुकी है, और की वो जा रहे ने हुण के नहीं? नहीं, हजे परमिशन क्लियर होके नहीं आई है, जदों परमिशन आजूगी तो जरूर जाएंगे। बीते समय तो यह खबर सामने आ रही है कि सिद्धू साहब कांग्रेस नूं अलविदा कह मुड़ बीजेपी वल रुख कर सकते ने। जो इस बाबत मैडम सिद्धू नाल गल की गई तो उन्होंने कहना है कि जो सिद्धू साहब अजिहा कोई फैसला लेंगे तो वह सब दे सामने लेंगे। देखो, मैं सिंस मेरे पास, मैं ये कहा था कि मेरे पास सिंस पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, तो मैं आजकल अपने आप को एक सोशल वर्कर मान के चल रही हूँ, और वैसे भी जब मैं MLA भी थी तब भी मैं मानती थी कि जब एक स्टेज पर इंसान आ जाता है तो जैसे MLA बन जाता है तो तब उसको उसके बियॉन्ड निकल जाना चाहिए कि मैं कांग्रेसी हूँ या अकाली के लिए काम कर रहा हूँ या बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ। सारे लोग मेरे लिए सामान्य हैं, और आजकल मैं समाज सेवा की तरफ या नवजोत के असिस्टेंट बन के काम कर रही हूं। पर सवाल है कि कांग्रेस का बीजेपी में जा रहे हैं सिद्धू जी, कल का एक वो कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। नवजोत सिद्धू ने कभी भी कोई छुप के काम नहीं किया। वो सबसे पहले जब करते हैं या ऐसा कोई डिसीजन लेंगे तो पहले प्रेस को बुला के पहले आपको बताएंगे, आपके माध्यम से लोगों को बताएंगे कि अगर उनका कोई ऐसा फैसला हुआ। मैडम सिद्धू का कहना है कि वो कोई लीडर नहीं, सिर्फ सोशल वर्कर ने। तुम कांग्रेस का हिस्सा हो या नहीं, मैं समाज सेवक। इस मौके मैडम सिद्धू ने साफ कर दिया है कि वो अपनी पूरी टीम नाल जाएंगे, पर आम इंसान वांग कोई लीडर बन के नहीं। पॉलिटिकल डेलीगेशन नहीं लेके जाएंगे हम, एक नॉन पॉलिटिकल। वैसे हमारे अमृतसर ईस्ट के सारे काउंसलर्स होंगे और हमारे मेन जो बंदे होंगे, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम सिमरन करते जाएंगे, इसमें हमें कोई भी पॉलिटिकली तब स्पीच और कुछ नहीं देना है, तो हम एज ए टीम पूरी दर्शन करेंगे ताकि हम इंजॉय भी करें और बाबा जी के दर्शन भी करें और मजा भी लेके। नहीं जी, वाई करतारपुर जाएंगे।